फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 20 मई और आज एक्सपायरी डे है, तो हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अगेन ये एक डेबिट स्ट्रेटजी होगी जिसमें मार्जिन आपका बहुत कम लगता है हेजिंग में, और वो भी डिलीवरी में। तो मैं वही ट्रेड बनाने जा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा बुलिश है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है गेन। तो इसमें देखिए, फंड नीडेड स्ट्रेट को करने में टोटल 20,000 रुपये लगेगा और ये दोस्तों डिलीवरी में है। और अगर आपने ये आप जानना चाहते हैं डिटेल में मार्जिन, तो जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको जाके डिटेल में इस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। तो हम जो ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सेंसिबल से कर रहे हैं, सेंसिबल से डायरेक्ट बास्केट ऑर्डर लग जाता है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप वीडियोज़ को चेक करिएगा तो वहाँ पर सेंसिबल का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने जो भी डेमो वीडियो होता है सेंसिबल का वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि 33,700 की कॉल मैं बाई कर रहा हूँ और हैज कर रहा हूँ उसको 34,000 की कॉल से। इसलिए इस ट्रेड को बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें प्रीमियम हम देते हैं, ये क्रेडिट स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, मैं एक वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे के दिन अगर आप ऐसी डेबिट स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो थीटा का डिके होता है वो एक्सपायरी के दिन होता है। तो इस दिन होता क्या है कि अगर आपके अपोज में मार्केट थोड़ा सा भी गया तो इस स्ट्रेटजी में फिर लॉस आपको दिखेगा ही दिखेगा, और वो भी अच्छा खासा लॉस दिख सकता है। तो देखिए, मैंने ये दोनों ये ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं सेंसिबल के थ्रू, दोनों ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 33,700 की कॉल बाई और 34,000 की कॉल मैंने सेल की है। अब मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ क्या सीन चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और दोनों ऑर्डर लग चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर है मेरे अकाउंट में 31,000 रुपये हैं टोटल अराउंड। और ये जो दोस्तों जो भी लोग इससे पहले इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और देखिए, लाइव ट्रेड चल रही है आपके सामने और ये करीब 33,700 का कॉल बाई है, कैरी फॉरवर्ड में है, एक लॉट है, 170 रुपये 10 पैसे की एवरेज प्राइस है। 34,000 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, ये भी कैरी फॉरवर्ड में है और करीब 29-30 रुपये की प्राइस चल रही है। इस ट्रेड को करने में दोस्तों मार्जिन लगा है 20,000 रुपये और मैं सेंसिबल में भी आप देख चुके हैं। और अगर मार्जिन से रिलेटेड मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताया था कि चाहे इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करें तो करीब 10-11 हज़ार में डेबिट स्ट्रेटजी बन जाती है आपकी, और अगर डिलीवरी में भी करते हैं तो आज एक्सपायरी है तो आज 19-20 हज़ार रुपये ही मार्जिन लगाए, अदरवाइज़ ये 22-23 हज़ार में आप इस स्ट्रेटजी को आराम से बना सकते हैं। दोस्तों, आज जो ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक है वो हम बुलिश साइड में इसलिए गए हैं क्योंकि आपने पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा कि मार्केट एक सपोर्ट जोन बन गया है बैंक निफ्टी में, जो कि 33,700 के आसपास है। वहाँ तक जाता है मार्केट, उसके बाद फिर एक रिवर्स आता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर की साइड में अगर VWAP और जो 21 EMA है उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चूँकि आज एक्सपायरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, अगर 33,860 के ऊपर जाता है तो फिर आज अच्छी खासी अपसाइड रैली आ सकती है। और नीचे जो आप देख रहे हैं 33,700 के आसपास, वहाँ इसका सपोर्ट जोन है, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आज एक अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ बार बार उसको टेस्ट किया जा रहा है, बार बार वहाँ जाके ऊपर की मूव आ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी लोग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा जिस पे कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल वहाँ से और क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं आपको वहाँ से सब पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करिएगा। और अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको अपने प्राइम टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट भी करिएगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि थोड़ा नीचे की इस तरफ फॉल आया है और थीटा डिके की जो मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल वही साबित हो रहा है कि थोड़ा भी मार्केट अगेंस्ट में गया। और तो अब मैं यहाँ से इसको एग्जिट करूँगा क्योंकि मैं अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा 50 पॉइंट का था, यानी कि यहाँ पे 1250 के आसपास का लॉस दिखता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे बार बार मार्केट जो इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, उसके ये ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने पर एक अचानक से फिर सेलिंग आ जाती है और नीचे आ जाता है। और चूँकि टाइम आज थर्सडे है तो थीटा डिके की वजह से वो हम प्रॉफिटेबल ये ट्रेड हमारी नहीं हो पाएगी, तो इससे अच्छा है कि कम लॉस में इस ट्रेड को एग्जिट कर दें। तो मैं अभी इसको स्क्वायर ऑफ कर लूँगा 750 के आसपास के लॉस के अराउंड। देखिए, मैं आपके सामने इसको स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके करना है, आपके दोनों ऑर्डर साइमल्टेनियसली स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। डेबिट स्ट्रेटजी में एक प्रॉब्लम यह भी होती है दोस्तों कि इसमें आप स्टॉप लॉस अगर प्लेस करेंगे तो आपकी मेन ट्रेड है बाइंग ट्रेड, अगर आप उसमें स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और वो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपकी फिर नेकेड ट्रेड चलेगी ऑप्शन सेलिंग वाली, तो फिर मार्जिन पेनल्टी का यहाँ पर खतरा ज़्यादा हो जाता है।
होता है। दोस्तों ये हमारा ट्रेड वितरण प्राइम चैनल है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट है, और ये भी लिखा था कि पहले 1250 रुपये का स्टॉप लॉस होगा हमारा, लेकिन अगर 33680 ब्रेक होता है तो उस टाइम पर जो भी लॉस होगा हम उस एग्जिट कर जाएंगे, और वही मैंने किया। देखिए यहाँ पर कि मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर 33680 ब्रेक होता है तो फिर उस ट्रेड से निकल ही जाना है, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी बेयरिश हो जाएगा वहाँ से, तो हम उससे वहाँ उसके जैसे ही थोड़ा सा नीचे गए हम एग्जिट कर गए तो लॉस हमारा 750 के आसपास है। और बाकायदा मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है कि रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और बार बार 33680 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, अगर वो टूटा तो फिर 200-300 पॉइंट की सेलिंग यहाँ पर आएगी, तो इससे अच्छा है कि आप उससे एग्जिट कर जाएँ। और आज एक्सपायरी भी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम डिके होते हैं, और उसी वजह से हम निकल गए। तो 33825 के ऊपर बुलिश और 33660 के नीचे अगर हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी टोटल बियरिश है, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर गए हैं। आप ये देख सकते हैं करीब टाइम देख सकते हैं कि 1:40 के आसपास का ये टाइम है, तो आज हमारा जो टोटल लॉस है वो 750 के आसपास का है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।